जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि भी मैंने यहाँ पर पिछली वीडियो में आपको बोला था कि भी मेरे को यहाँ पर एक जो आपको यहाँ पर लोन किस वजह से नहीं मिल रहा है, मेरे को यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ये बताइए कि भी आपको यहाँ पर लोन किस वजह से नहीं मिल रहा है। तो भी दोस्तों यहाँ पर मेरे पास में जो यहाँ पर कमेंट आए हैं मेरे पास में, जैसा कि यहाँ पर आप सभी यहाँ पर देख पा रहे हैं भाई, मेरे पास में यहाँ पर एक यहाँ पर जनरल कमेंट देखने को मिला है मेरे को कि भाई जो उनके पास में है कि भाई उनके पास में यहाँ पर कोई भी इनकम प्रूफ नहीं है, इनकम प्रूफ विदाउट इनकम प्रूफ के उनको यहाँ पर लोन नहीं मिल पा रहा है। तो भी दोस्तों मैंने इस यहाँ पर इस प्रॉब्लम का यहाँ पर सोल्यूशन आपके लिए यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ। ये जो एप्लीकेशन आपके लिए आज की वीडियो में आपके लिए लेके आऊ भाई, ये एप्लीकेशन आपको यहाँ पर विदाउट इनकम प्रूफ आपको दोस्तों यहाँ पर लोन प्रोवाइड करवाती है। और भाई यहाँ पर दोस्तों दोस्तों आपको यहाँ पर आधार कार्ड और पैन कार्ड की वजह से दोस्तों आपके यहाँ पर केवाईसी आपको कंप्लीट करनी होती है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको यहाँ पर इंस्टेंट पर्सनल लोन आप यहाँ पर ले सकते हो, 2000 रुपए से लेकर दोस्तों आप यहाँ पर 50000 रुपए तक आप यहाँ से इंस्टेंट पर्सनल लोन ले सकते हो, वो भी दोस्तों यहाँ पर विदाउट इनकम प्रूफ। यहाँ पर दोस्तों काफी सारे बंदों की ये प्रॉब्लम आ रही थी कि भाई उनको यहाँ पर उनकी जो प्रॉब्लम थी, जो मेन प्रॉब्लम थी उनको, कि इस वजह से मेरे को यहाँ पर लोन नहीं मिल पा रहा है। तो भाई उनकी प्रॉब्लम यहाँ पर आज की वीडियो देखने के बाद में उनकी यहाँ पर सॉर्ट आउट होने वाली है। सिर्फ दोस्तों यहाँ पर आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड की मदद से दोस्तों आपको यहाँ पर केवाईसी करनी है, और भी यहाँ पर आपको यहाँ पर लिमिट दे दी जाएगी। यहाँ पर दोस्तों एप्लीकेशन बिल्कुल शानदार होने वाली है, एप्लीकेशन दोस्तों यहाँ पर एकदम न्यू होने वाली है, आरबी और एनबीएफसी रजिस्टर्ड एप्लीकेशन होने वाली है। तो भाई यहाँ पर दोस्तों आपके यहाँ पर डाटा वाटा भी बिल्कुल यहाँ पर लीक नहीं किया जाएगा। अगर भाई आपको यहाँ पर पैसों की जरूरत है, आपको यहाँ पर पैसों की नीड है, तो भाई दोस्तों आप यहाँ पर इंस्टा पर्सनल लोन लेना चाहते हो, तो भाई ये लोन एप्लीकेशन आपके लिए यहाँ पर बहुत ही बेस्ट होने वाली है। क्योंकि भाई यहाँ पर लोन एप्लीकेशन आपको यहाँ पर विदाउट इनकम प्रूफ आपको यहाँ पर 2000 रुपए से लेके 50000 रुपए तक दोस्तों आपको यहाँ पर लोन प्रोवाइड करवा रही है। यहाँ पर दोस्तों एप्लीकेशन के बारे में पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको यहाँ पर देने वाला हूँ, पूरी जानकारी दोस्तों आपको यहाँ बताने वाला हूँ कैसे आपको अप्लाई करना है और भी कितने रुपए की आपको यहाँ पर लिमिट मिलने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। अगर भाई अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई जल्दी जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि दोस्तों ऐसा कंटेंट आपको हमारे चैनल पर मिलता रहता है। विदाउट टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट टाइम में दोस्तों मैंने यहाँ पर एप्लीकेशन का यहाँ पर अबाउट सेक्शन ओपन कर लिया है, जैसा कि यहाँ पर आप सभी यहाँ पर देख पा रहे हैं। ऊपर की साइड में जैसा कि मेरे पास में यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है कि भी आप यहाँ पर इस लोन एप्लीकेशन से आप यहाँ पर 500 रुपए से लेकर दोस्तों आप यहाँ पर 50000 रुपए तक इस लोन एप्लीकेशन से आप यहाँ पर लोन ले सकते हो, इंस्टेंट पर्सनल लोन, वो भी दोस्तों यहाँ पर आप विदाउट इनकम प्रूफ, जैसा कि यहाँ पर आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। जो भी दोस्तों आपको यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगने वाला है 2% से 30% तक दोस्तों आपके ऊपर यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगने वाला है। और भाई दोस्तों हम बात करें इसकी यहाँ पर टर्नओवर की, तो भाई दोस्तों यहाँ पर 62 दिन से लेकर 6 महीने तक दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है इसका टर्नओवर, जैसा कि यहाँ पर आप सभी यहाँ पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों इन्होंने यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर इन्होंने बता भी रखा है। यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें इसके यहाँ पर एग्जाम्पल के, तो भाई दोस्तों यहाँ पर अगर भाई आपको यहाँ पर 15000 रुपए की लिमिट मिल जाती है इस लोन एप्लीकेशन से, तो भी दोस्तों यहाँ पर आपको 6 महीने का आपको टर्नओवर दिया जाएगा। और भी दोस्तों यहाँ पर आपके यहाँ पर 3.2% आपकी यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस लगने वाली है, 1099 रुपए आपके दोस्तों यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस लगेगी 15000 रुपए के ऊपर। जो भी दोस्तों आपके यहाँ पर जीएसटी लगने वाली है 197 रुपए की आपके यहाँ पर जीएसटी लगने वाली है। टोटल इंटरेस्ट जो आपके यहाँ पर लगने वाला है 15000 रुपए के ऊपर 2640 रुपए का आपको यहाँ पर टोटल इंटरेस्ट लगने वाला है। और भाई जो दोस्तों इसकी ईएमआई होने वाली है 2940 रुपए की इसकी यहाँ पर ईएमआई होने वाली है इस लोन एप्लीकेशन की। लोन एप्लीकेशन में दोस्तों यहाँ पर अप्लाई करना बिल्कुल एकदम यहाँ पर आसान है, जैसा कि मैं अभी आपको यहाँ पर अप्लाई करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही आप फर्स्ट टाइम में एप्लीकेशन को ओपन करोगे, फर्स्ट टाइम में आपके पास में यहाँ पर ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, अपनी यहाँ पर भाषा आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी, जो भी आपकी भाषा होगी वो, जैसे कि मैंने यहाँ पर भाषा यहाँ पर सेलेक्ट कर ली है, जैसे कि यहाँ पर आप सभी यहाँ पर देख पा रहे हो। आप दोस्तों यहाँ पर इंग्लिश या फिर हिंदी हो वो दोस्तों यहाँ पर आप अपने हिसाब से यहाँ पर चेकआउट कर लेना। उसके बाद में नीचे की साइड में यहाँ पर आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे कंटिन्यू का मेरे पास में यहाँ पर ऑप्शन शो हो चुका है। कंटिन्यू पर मेरे को यहाँ पर क्लिक करना है, जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर आपके पास में 2 ऑप्शन आपके पास में यहाँ पर शो हो जाएंगे नीचे की साइड में, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं। अगर भाई आप यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर आपने यहाँ पर ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट कर रखा है, तो भी दोस्तों यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अगर भाई आपने यहाँ पर आपको यहाँ पर फर्स्ट टाइम आपको यहाँ पर रजिस्टर करने वाले हो, तो भी दोस्तों यहाँ पर इस लोन एप्लीकेशन में आपको यहाँ पर रजिस्टर करना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर अभी यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक कर देता हूँ, उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपके पास में 2 ऑप्शन यहाँ पर आ जाते हैं। या तो दोस्तों आप यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर इसके कस्टमर हो वो, या फिर दोस्तों आप यहाँ पर न्यू हो यानी कि न्यू कस्टमर हो वो। तो भाई जैसे कि मेरे केस में मैंने यहाँ पर ऑलरेडी इसमें यहाँ पर केवाईसी कंप्लीट करवा रखी है, और भी ऑलरेडी दोस्तों मैंने यहाँ पर इसमें अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, आई हैव ब्रांच अकाउंट। तो भाई इस पर आपको क्लिक करना है।
जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर आपके पास में ऐसा इंटरफेस यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी कंट्री यहाँ पर सेलेक्ट करनी है, क्योंकि भाई यहाँ पर अदर कंट्री में भी दोस्तों यहाँ पर वर्क करती है एप्लीकेशन। और भाई यहाँ पर दोस्तों आप यहाँ पर चूज करना है कि भाई आप यहाँ पर मोबाइल नंबर से आप इसमें यहाँ पर लॉग इन होना चाहते हो, या फिर आप यहाँ पर कुछ और तरीके से इसमें आप लॉग इन होना चाहते हो, यानी कि फेसबुक वगैरह से आप इसमें यहाँ पर लॉग इन होना चाहते हो। तो भाई दोस्तों मैं यहाँ पर अपने केस में अपने मोबाइल नंबर से लॉग इन होना चाहता हूँ, इस पर दोस्तों मैंने यहाँ पर कर दिया है क्लिक। जैसे क्लिक करूंगा मेरे पास में यहाँ पर ऐसा इंटरफेस यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर दोस्तों मेरे को क्या करना है, अपने यहाँ पर मेरे को यहाँ पर मोबाइल नंबर फिलअप करना पड़ेगा, जो भी मेरा मोबाइल नंबर होगा वो मेरे केस में। जैसे कि मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर फिलअप करोगे यहाँ पर साइन इन का आपके पास में यहाँ पर ऑप्शन शो हो जाएगा। साइन इन पर दोस्तों आपको यहाँ पर क्लिक करना है, आपके पास में एक ओटीपी यहाँ पर सेंड की जाएगी, ओटीपी यहाँ पर आपको यहाँ पर वेरीफाई करवा लेना है। मेरे केस में जैसे कि मेरे पास में यहाँ पर ओटीपी आ चुकी है, और भी मैंने यहाँ पर ओटीपी यहाँ पर वेरीफाई करवा ली है। ओटीपी वेरीफाई करवाने के बाद में आपके पास में यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है, जैसे कि मेरे केस में यहाँ पर आ चुका है। अगर भाई आपने इसमें दोस्तों यहाँ पर केवाईसी कंप्लीट नहीं करवाई है, तो दोस्तों यहाँ पर आधार कार्ड और पैन कार्ड की मदद से दोस्तों इसमें केवाईसी हो जाती है। सबसे पहले काम दोस्तों आपको यहाँ पर केवाईसी कंप्लीट करवा लेनी है। जैसे केवाईसी सब कुछ कंप्लीट करवाओगे आपके पास में यहाँ पर ऐसा इंटरफेस यहाँ पर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर ऊपर की साइड में यहाँ पर आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मेरे पास में अभी यहाँ पर जीरो यहाँ पर दिखा रहा है, यानी कि लोन की जो यहाँ पर लिमिट है मेरे पास में अभी यहाँ पर जीरो दिखा रहा है। यहाँ पर दोस्तों अप्लाई नाउ पर आपको क्लिक करना है, या फिर दोस्तों यहाँ पर लोन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे भी आप क्लिक करोगे मेरे पास में यहाँ पर ऐसा इंटरफेस आ चुका है, जो भी दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट टाइम में जो मेरे को यहाँ पर इस लोन एप्लीकेशन से जो मेरे को यहाँ पर लिमिट मिल रही है, वो भाई मेरे को यहाँ पर 2500 रुपए की लिमिट मेरे को यहाँ पर देखने को मिल चुकी है, जैसा कि यहाँ पर आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इसमें दोस्तों यहाँ पर 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए, या फिर 1500 रुपए, या फिर दोस्तों आप यहाँ पर 2500 रुपए तक आपकी जो यहाँ पर हाईएस्ट लिमिट होगी, जैसे कि मेरे केस में जो यहाँ पर हाईएस्ट लिमिट है वो मेरे केस में यहाँ पर 2500 रुपए की है। इसके नीचे दोस्तों मैं यहाँ पर कितने रुपए की भी लिमिट ले सकता हूँ, जैसे कि मेरे पास में यहाँ पर 2500 रुपए की लिमिट आ चुकी है। अगर भाई मैं ये लिमिट अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहूँ तो भाई दोस्तों यहाँ पर कैसे कर सकता हूँ, आपको दोस्तों कितनी लिमिट मिलती है आप दोस्तों यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख के बताइए कि भाई मेरे को यहाँ पर इस इतनी लिमिट मिल चुकी है। या फिर दोस्तों आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, जाके दोस्तों आप टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए और भाई वहां पर अपना स्क्रीनशॉट शेयर कीजिए। कंटिन्यू पर दोस्तों आपको यहां पर क्लिक करना है, अगर भाई आपको ये लिमिट लेनी है तो। जैसे क्लिक कर दो आपके पास में यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा कि भाई यहाँ पर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा कि भाई आप ये जो लिमिट ले रहे हो वो कितने दिन के लिए आप लेना चाहते हो। मेरे केस में जैसे कि मैं यहाँ पर 62 दिन के लिए लेना चाहता हूँ, 1326 रुपए की मेरी यहाँ पर मंथली ईएमआई होने वाली है, जो मेरी यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस लगने वाली है 294 रुपए मेरे यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस लगने वाली है, 192 रुपए मेरे यहाँ पर इंटरेस्ट लगने वाला है, वो भाई यहाँ पर टोटल जो मेरे को यहाँ पर रिपेमेंट करना पड़ेगा इसका 2652 रुपए का मेरे को यहाँ पर इसका रिपेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पर दोस्तों 2206 रुपए मेरे यहाँ पर बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो भाई यहाँ पर उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर कंटिन्यू पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अगर भाई आप यहाँ पर व्यू लोन डिटेल पर आप क्लिक करते हो, जो भी आपकी डिटेल अगर भाई आप देखना चाहते हो, तो भाई दोस्तों यहाँ पर व्यू लोन डिटेल पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर आपके पास में ऐसा इंटरफेस यहाँ पर आ जाएगा। 2500 रुपए का मेरे यहाँ पर अमाउंट होने वाला है, जो मेरे को यहाँ पर लोन मिला है वो 239 रुपए आपकी प्रोसेसिंग फीस लगने वाली है, 45 रुपए की आपके यहाँ पर जीएसटी लगने वाली है, 2206 रुपए आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे, 152 रुपए का आपका यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगने वाला है, 2652 रुपए आपके यहाँ पर टोटल इसका रिपेमेंट आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। यहाँ पर दोस्तों ऑल डिटेल आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो, दोस्तों यहाँ पर अपने हिसाब से आप चेक कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पर चेक वगैरह कर लेते हो, उसके बाद में आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। जो भी दोस्तों आपके यहाँ पर जो भी आपका जो अकाउंट होगा, जो भी आपका अकाउंट नंबर होगा, जिस भी अकाउंट में आप लोन लेना चाहते हो, वो भाई आपको यहाँ पर फिलअप करना पड़ेगा। जैसे कि मेरे केस में यहाँ पर फेडरल बैंक अकाउंट यहाँ पर मैं यूज करने वाला हूँ, मेरा अकाउंट दोस्तों ये होने वाला है, जैसा कि यहाँ पर आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर दोस्तों अपना अकाउंट नंबर यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद में नीचे की साइड में अप्लाई पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर आपके पास में ऐसा इंटरफेस यहाँ पर आ जाएगा। आपको दोस्तों यहाँ पर थोड़ी देर यहाँ पर आपको वेट करना पड़ सकता है। वेट करने के बाद में दोस्तों आपके पास में फाइनली आपके पास में ऐसा इंटरफेस यहाँ पर आ जाता है, जैसे कि मेरे पास में यहाँ पर आ चुका है। जो भी दोस्तों यहाँ पर आपका एग्रीमेंट होगा वो आपके पास में यहाँ पर सेंड किया जाएगा। एग्रीमेंट दोस्तों आपको यहाँ पर कंप्लीट आपको यहाँ पर रीड कर लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पर रीड कर लेता हूँ। इसके बाद में दोस्तों जैसे ही आप कंप्लीट यहाँ पर रीड कर लेते हो, जैसे कि यहाँ पर आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर दोस्तों आई हैव रीड एंड अंडरस्टैंड द टर्म एंड कंडीशन फॉर एग्रीमेंट, आप यहाँ पर इस पर टिक कर देते हो। उसके बाद में एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर आपको यहाँ पर दोस्तों क्लिक करना होगा। यहाँ पर दोस्तों जैसे आप क्लिक करोगे आपकी जो लिमिट है आपके बैंक अकाउंट में यहाँ पर ट्रांसफर कर दी जाएगी, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर साफ साफ इन्होंने यहाँ पर रख रखा है। मेरे केस में जैसे कि मैं अभी दोस्तों इस लोन एप्लीकेशन से लोन नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि भाई मेरे को यहाँ पर लोन की अभी आवश्यकता नहीं है, इसलिए दोस्तों मैं यहाँ पर इस लोन एप्लीकेशन से लोन नहीं ले रहा हूँ।
यहाँ पर दोस्तों फाइनल स्टेप बचा पड़ा है, अगर भाई मैं उसको लोन लेना चाहूँ तो भी दोस्तों मैं एक मिनट के अंदर अंदर अपने बैंक अकाउंट में यहाँ पर ट्रांसफर कर सकता हूँ। एप्लीकेशन की लिंक दोस्तों आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, जाकर दोस्तों एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन का दोस्तों यहाँ पर नाम होने वाला है ब्रांच लोन एप्लीकेशन का यहाँ पर नाम होने वाला है। यहाँ पर दोस्तों बहुत ही अच्छी खासियत की यहाँ पर डाउनलोड भी होने वाली है। एप्लीकेशन दोस्तों बिल्कुल एकदम शानदार होने वाली है, एकदम दोस्तों यहाँ पर जेन्युइन लोन एप्लीकेशन यहाँ पर होने वाली है। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है एप्लीकेशन बिल्कुल एकदम शानदार होने वाली है। अगर भैया आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहते हो, एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, जाकर दोस्तों आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। इसमें दोस्तों आप केवाईसी वैसे कंप्लीट करने के बाद में आप दोस्तों इसमें यहाँ पर लोन अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर दोस्तों मैंने एप्लीकेशन के बारे में पूरी डिटेल आज की इस वीडियो में आपको मैंने आपको बता दी है। आई होप दोस्तों ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। अगर भाई अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई जल्दी जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।